दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स में। तो जो है अभी शाम के कितने बज रहे हैं देखती हूँ, बताती हूँ दोस्तों। नहीं दिख रहा, 3:30 बज रहे हैं करीब। तो दोस्तों 3:30 बज रहे हैं अभी शाम के समय का। तो देख सकते हैं अभी आज सुबह से कैमरा नहीं उठाई, अब शूट कर रही हूँ। क्योंकि कल बताई थी आप सभी को कि मेरे भैया भाभी आने वाले थे, तो आए भी थे और चले भी गए। आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि व्यस्त हो गई थी। आने के बाद उनके कैसे टाइम समय कट गया कुछ पता ही नहीं चला। शाम को आए थे, करीब 6 बजे के बाद आए थे दोस्तों शाम को। और जो है सुबह में खाना वाना खा के 10-11 बजे करीब चले गए। तो आज बनाई थी दाल चावल सब्जी और रोटी बना था, तो खा के चले गए। हम देख सकते हैं मैं क्या खाने जा रहे हैं। इसमें क्रीम भरा हुआ दोस्तों, ये है क्रीम रोल। पारुल पापा लाए थे, हमें बहुत पसंद है ये। किसको किसको पसंद है बताना। 10 रुपये का एक मिलता है। और जो है ठंडी की शुरुआत हुई थी तभी मंगाए थे दोस्तों, जानते हैं बिजी रहते हैं वो बहुत, इसी वजह से जो है नहीं लाए थे। कल उनको याद था तो लाए थे, तो वही खाने जा रही हूँ। खाना खाने इसको खाने के बाद जलाऊंगी चूल्हे में आग। और वे दोस्तों होली शुरू होने वाली है ना, तो गुजिया बनानी है, तो उसके लिए दूध रखा हुआ है। तो खोया बनाऊंगी दूध का, तो वो आप सभी को आगे देखने को मिलेगा। चलती हूँ अभी, इसको खा लेते। कमेंट करके बताना दोस्तों किसको किसको। ये इधर से ऐसा है और ये रहा आगे का हिस्सा, पीछे पूरे में क्रीम भरा हुआ है। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो बने रहिएगा, अभी खोया बनाऊंगी आप सभी को दिखाती हूँ, दिखाऊंगी भी। तो खा लेती हूँ खाना, खा के इसको खा के पानी पी कर थोड़ा मजबूत हो जाती हूँ, फिर बनाऊंगी चूल्हे पे। गैस पे नहीं होगा दोस्तों, गैस काफ़ी खर्च होगा। गैस यहाँ पे काफ़ी महंगा भी है। यहाँ जो है 1100 कुछ प्लस है दोस्तों। पारू पापा लाए थे, हमें उतना नहीं पड़ता। 1120 ऐसे कुछ है, 1120 रुपये का गैस है, तो काफ़ी महंगा है समझ सकते हैं। इसी वजह से गैस पे है जो है खोया नहीं जा रूँगी, उसमें 1-1.5 घंटे लगने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे में गैस हमारा काफ़ी खर्च हो जाएगा, तो चूल्हे पे बनाऊंगी। तो बने रहिएगा, आज गर्मी महसूस हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारी आग जल चुकी है, क्रीम रोल भी खा चुकी हैं और आग जला ली हूँ इधर जो है चूल्हे में। और इधर लोहे की कढ़ाई भी काफ़ी दिन से धुली रखी हुई थी, तो इसमें जो है डस्ट जम गई थी। तो ये जो है धुल ली हूँ पानी से अच्छी तरह से। और ये रही हमारी कलछुल छन्नी है दोस्तों, तो चढ़ा देती हूँ अभी कढ़ाई। और ये रहा हमारा एक भगोना दूध। देख सकते हैं दोस्तों दूध अभी डाल चुकी हूँ, अब गर्म होने देती हूँ, बनाऊंगी खोया, आप सभी को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों खोया बनना हमारा स्टार्ट हो गया है जो है। ये देख सकते हैं दूध गड्ढा गड्ढा सा हो गया है, और इतने समय कढ़ाई हमारी भरी हुई थी, अब बिल्कुल थोड़ा सा दूध बचा है। दिखाते हैं ठाकुर में बार, ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ है, तो 10-15 मिनट लगेंगे। और जला देती हूँ इसको, खट्ठा खट्ठा सा हो जाएगा तो निकाल दूँगी। तो अभी बना के आप सभी इसको दिखाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा खोया बन के रेडी हो चुका है, इस प्रकार का है। देख सकते हैं एक कढ़ाई दूध में जो है इतना सा खोया निकला है। ये दोस्तों 250 ग्राम से ज़्यादा है, कम नहीं है। इतना खोया लेने जाएंगे मार्केट में तो 250-300 रुपये का खोया मिलेगा दोस्तों।
थोड़ी देर मेहनत कर ली 1.5 घंटे और हमारा खोया इतना बन के रेडी हो चुका है। तो अभी और बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी होली को टाइम है दोस्तों, तो अभी से शुरू कर दी हूँ खोया उतारना, दूध थोड़ा थोड़ा करके लेके जो है जाग लूँगी, खोया बना लूँगी। तो जो है हमारे यहाँ ज़्यादा खोया वाला जो है गुलझा खाते हैं दोस्तों, पसंद है, कम खोया वाला नहीं पसंद, इसलिए ढेर सारा खोया डाल लूँगी, फिर उसके बाद गोझा बनाऊँगी। तो किसके किसके यहाँ दोस्तों अभी से गोझा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करूँगी। वो कटोरी लेके आई हूँ दोस्तों, इसे मैं निकाल के रख दूँगी, फिर कढ़ाई साफ कर लूँगी। और जो है ये वीडियो दोस्तों अभी यहीं पर एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, नया सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।